घिरा हुआ एक समृद्ध प्रदेश है। इस प्रदेश में 40% तक भूभाग जंगल का बताया जाता है और इन जंगलों में एक बड़ी आबादी निवासरत है, जहां के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है, क्योंकि दूर दराज के जंगलों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना बेहद कठिन है। लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने वनवासियों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर पहुंचाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम हाट बाजार क्लिनिक है, जो एक अस्थायी क्लिनिक है जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दवाओं के साथ गांव वालों के बीच पहुंचती है और उनका बेहतर इलाज करती है। ये योजना देश में अपनी तरह की पहली और बिल्कुल यूनिक योजना है। अब तक इस योजना से करीब 10 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। कैसे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरा दिवस आदिवासी अंचल के गांव का है। ये नजारा गांव में लगने वाले हाट बाजार क्लिनिक का है। ये नजारा हाट बाजार क्लिनिक से लाभ लेते ग्रामीणों का है। ये नजारा राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना का है। राज्य सरकार की ओर से इस तरह अब गांव-गांव में हाट बाजार में शिविर लगाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। सच कहें तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना दूर दराज के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। हाट बाजार में आने वाले लोगों को अब वहीं पर ही क्लिनिक से स्वास्थ्य जांच और उपचार का लाभ मिलने से बहुत फायदा हो रहा है। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को शहर में आना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक से इन बीमारियों का इलाज अब स्थानीय स्तर पर ही हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री पीएस सिंहदेव की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के क्रियान्वयन से स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के आम लोगों तक पहुंच रही है। बीमारियों की प्रारंभिक स्तर से पहचान और उपचार के लिए सही परामर्श मिलने से स्वास्थ्य सूचकांकों के मानकों को प्राप्त करने में यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश में ज्यादातर आबादी गांव में निवास करती है। गांव में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चिंता रहती है। प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र तो होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो जाती है। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का सीधा लाभ वे सभी ग्रामीण ले रहे हैं जिनका हाट बाजारों में आना जाना लगा रहता है। योजना के तहत डॉक्टरों की पूरी टीम दवाइयों के लिए मौजूद रहती है। गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सार्वभौम पीडीएस सामान्य श्रेणी राशन कार्ड के वितरण, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की शुरुआत आज गांधी जयंती के अवसर पर किया गया। छत्तीसगढ़ में आज इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर वनांचल ग्रामीणों को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। प्रदेश में 17,150 हाट बाजार क्लिनिक आयोजित किए गए हैं। इस योजना के तहत डॉक्टरों की एक आवश्यक टीम दवाइयों और उपकरणों के साथ मौजूद रहती है। लोगों को इलाज के साथ निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती है। दरअसल दूर दराज क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों के सामान खरीदने बेचने इन साप्ताहिक हाट बाजारों में पहुंचते हैं, क्योंकि दूरस्थ ग्रामीण पहुंच विहीन क्षेत्रों में अब भी चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त पहुंच नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है, ताकि ग्रामीण वहां सामानों की खरीद बिक्री के साथ अपने परिजनों को साथ लाकर उनका इलाज भी करवा सके। योजना में प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके तहत चिकित्सक दल हाट बाजार स्थल पर ही निश्चित स्थल पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों की मौसमी बुखार, दर्द, मलेरिया, पेचिस, दस्त, उल्टी, रक्त कमजोरी, ब्लड प्रेशर, मधुमेह आदि बीमारियों की जांच, उपचार व डॉक्टरी परामर्श के साथ टीबी और कैंसर के संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग भी करते हैं। छोटे बच्चों का टीकाकरण कार्य भी किया जा रहा है, तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की खून की जांच कर आयरन की गोलियां मुफ्त बांटी जा रही है। इस योजना को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए सुनिए।
जो हर बाजार का समय होता है उस समय डॉक्टर और उनके पूरे स्टाफ रहेंगे, वहाँ उनके बैठने की समुचित व्यवस्था रहेगा, दवाई निःशुल्क होगा और लोगों का निःशुल्क जाँच होगा। बहुत सी समस्याएं थी जो अभी तक कहना चाहिए हल नहीं हुआ था, जैसे कि एनीमिया है, कुपोषण है, और आज जिस शासन की जो योजना का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है उससे काफी कुछ लाभ होगा और हमारा छत्तीसगढ़ एनीमिया और कुपोषण मुक्त होगा। वास्तव में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान की तरह है, क्योंकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य के नाम पर झाड़फूंक या फिर बिना डिग्री वाले डॉक्टरों पर निर्भर रहना होता है। ऐसे में इस योजना की अपनी बड़ी अहमियत है और इसका फायदा भी आज बड़े पैमाने पर मिल रहा है। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।